हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसी मूवी को जिसमें एक नौकरानी अपने मालिक के बेटे को सेड्यूस करके उसके साथ इंटीमेट होती है, जिसका नाम है प्राइवेट लेसन, जिसे डायरेक्ट किया था एलन मियर्सन ने। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में जो है 5.2 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम दो दोस्त फिली और सरमन को देखते हैं। इनकी उम्र सिर्फ 15 साल होती है। इसके बाद ये दोनों अपने सीनियर्स की पार्टी को चुपके से देख रहे होते हैं। पार्टी में सरमन की सिस्टर जोयश भी होती है। फिर उसका बॉयफ्रेंड उसे पूल में लेकर गिर जाता है और फिर वो अपने कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में जाती है। इसके बाद फिली और शर्मन चुपके से उसे कपड़े बदलते हुए देखते हैं, लेकिन तभी उनकी टीचर उन्हें पकड़ लेती है और वो फिली से कहती है इस उम्र में ऐसी हरकतें करना आम बात है, और वो उन्हें एडवाइस देती है कि उन्हें अपनी उम्र की लड़की के साथ दोस्ती करनी चाहिए। लेकिन फिली को अपनी उम्र से ज़्यादा की लड़कियों में इंटरेस्ट था। फिली के फादर बहुत अमीर बिजनेसमैन हैं और इसी के चलते उनके घर में बहुत सारे नौकर हैं। एक दिन फिली देखता है कि उसके फादर ने एक नई हाउसमेट को घर पर रखा है जिसका नाम मिस मेलो है। मेलो बहुत ही खूबसूरत होती है। फिर एक दिन फिली के फादर किसी बिजनेस ट्रिप पर चले जाते हैं और वो उनके ड्राइवर लेस्टर से फिली का ध्यान रखने के लिए कहते हैं, लेकिन वो फिली को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। फिर उसी दिन मेलो की फिली के पास आती है और उससे बातें करने लगती है। वो उसे बताती है कि हाउसमेट रात में फन के लिए क्या करते हैं। इसके बाद वो उससे कहता है उसके अलावा यहाँ सभी मेट काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हैं। मेलो उससे कहती है तुम्हें बाकी सबसे बातें करने में इतना मज़ा नहीं आता होगा जितना मुझसे बात करने में आ रहा होगा। फिर फिली उसकी टांगों को घूरने लगता है। मेलो समझ जाती है और वो उससे मज़े लेने लगती है, लेकिन फिली अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मेलो लेस्टर के साथ किसी काम से बाहर जाती है। दूसरी तरफ फिली मेलो के रूम में जाकर उसकी ड्रेस और अंडर गारमेंट देखने लगता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लेस्टर और मेलो किसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। लेस्टर चाहता है कि मेलो फिली के फादर के आने से पहले फिली के साथ इंटीमेट हो, लेकिन मेलो को ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन लेस्टर उसे किसी बात को लेकर ब्लैकमेल करता है और उसे ये सब करने को कहता है। फिर उसी रात फिली अपने दोस्त सरमन के साथ मेलो को कपड़े बदलते हुए देखने की कोशिश करता है, लेकिन मेलो उन्हें देख लेती है और लाइट्स बंद कर देती है, जिससे वो दोनों कुछ नहीं देख पाते। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है और फिली मेलो के आसपास घूमता रहता है और धीरे धीरे वो मेलो की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। फिर हम देखते हैं जब फिली मेलो के रूम के अंदर देख रहा होता है, तब मेलो उसे पकड़ लेती है और उसे रूम के अंदर बुलाती है। फिर मेलो उसे कहती है अगर वो उसे कपड़े निकालते हुए देखना चाहता है तो उसने पहले क्यों नहीं बताया। इसके बाद मेलो उसे दरवाज़ा बंद करने को कहती है और वो एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगती है और पूरी न्यूड हो जाती है। फिली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद वो उसे अपने बूब्स प्रेस करने को कहती है, लेकिन फिली घबराकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मेलो फिली से कहती है कि वो आज रात को उससे मिलने के लिए आएगी और फिली मान जाता है। इसके बाद वो ये सब अपने दोस्त शर्मन को बताता है और फिर वो दोनों अपनी टेनिस प्रैक्टिस करते हैं। उसी रात फिली मेलो के पास जाता है। वो बाथटब में नहा रही होती है और वो फिली को बाथटब में आने के लिए कहती है। फिली मना कर देता है, लेकिन मेलो उसे बातों में फंसा लेती है और फिर फिली उस बाथटब में सिर्फ शॉर्ट पहनकर चला जाता है। मेलो उसे सेड्यूस करने लगती है और उसे किस करती है। इसके बाद वो उसके खंभे को टच करती है, लेकिन फिली फिर से घबरा जाता है और बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो उसे किस करती है और अपने साथ सोने के लिए इनवाइट करती है। फिर अगले दिन फिली ये सब सरमन को बताता है। सरमन उससे कहता है मेलो जरूर एक वेश्या है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ इतनी आसानी से इंटीमेट होने को तैयार है। लेकिन फिली को सरमन की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो मेलो को पसंद करने लगा था और उससे प्यार करने लगा था। फिर हम देखते हैं फिली मेलो को मूवी डेट पर लेकर जाता है और मेलो वहीं पर फिली को पूरी तरह से सेड्यूस करने लगती है। वो उसका हाथ अपने बूब्स पर रखती है। वापस आते हुए वो पूरे रास्ते कार में एक दूसरे को किस करते हैं और लेस्टर ये सब देख रहा होता है। फिर घर आकर वो इंटीमेट होने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उससे पहले फिली मेलो से कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है और वो उससे शादी करेगा। लेकिन मेलो उसे समझाती है कि हम दोनों कभी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके एज में बहुत ज़्यादा अंतर है। लेकिन फिली को ये सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसे लगता है मेलो उससे प्यार नहीं करती और वो वहाँ से चला जाता है। जब अगले दिन फिली ये सब सरमन को बताता है, तब सरमन उसे कहता है कि वो एक चोमू है, उसने इंटीमेट होने से पहले शादी की बात क्यों की। फिर हम देखते हैं फिली मेलो से ज़्यादा दूर नहीं रह पाता और वो अगले ही दिन मेलो से डेट के लिए पूछता है और मेलो मान जाती है।
फिर वो दोनों डेट के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ दोनों किस भी करते हैं। डिनर करने के बाद जब वो घर आते हैं तो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होते वक्त मैलो चिल्लाकर अचानक से शांत हो जाती है। फिर फिली उसे जगाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं जागती। ये देखकर फिली काफी ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि वो मर चुकी है क्योंकि लेस्टर ने उसे एक बार बताया था मैलो को हार्ट का प्रॉब्लम है और वो लेस्टर को बुलाने के लिए जाता है। फिर हम देखते हैं फिली के रूम से निकलते ही मैलो जाग जाती है और वो सिर्फ मरने का नाटक कर रही थी। जब लेस्टर उस कमरे में आता है तब वो मैलो को चेक करता है और वो फिली से कहता है कि मैलो मर चुकी है और उसी ने मैलो को मारा है क्योंकि कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। फिर वो पुलिस को कॉल करने का ड्रामा करता है लेकिन फिली उसे रोकते हुए बोलता है कि वो ऐसा ना करे और बदले में वो कुछ भी करने को तैयार है। फिर लेस्टर कहता है उन्हें मैलो की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। फिर वो मैलो की बॉडी को एक बड़े से सूटकेस में डालकर फ्रीजर में रख देते हैं जिससे उसकी बॉडी सड़े नहीं। इसके बाद वो दोनों गार्डन में जाकर एक कब्र खोदने लगते हैं। कब्र पूरी तरह खोदने के बाद वो दोनों फ्रीजर से मैलो की बॉडी को निकाल लेते हैं जो कि अब पहले से बहुत ज्यादा भारी हो गई थी। लेस्टर फिली से कहता है फ्रीजर में बॉडी को रखने से ऐसा हुआ है लेकिन असल में मैलो सूटकेस में थी ही नहीं। जब वो दोनों कब्र खोद रहे थे तभी वो सूटकेस से बाहर आ गई थी। इसके बाद वो दोनों उस सूटकेस को कब्र में दफना देते हैं। अगले दिन फिली देखता है कि कब्र को किसी ने खोद दिया है और मैलो की बॉडी वहां पर नहीं है। वो ये देखकर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और ये सब लेस्टर को बताता है लेकिन लेस्टर कहता है उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी उन्हें एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि मैलो की बॉडी को किसी ने निकाल लिया है। अगर फिली को ये बॉडी वापस चाहिए तो उसे $10,000 देने होंगे नहीं तो वो बॉडी पुलिस को दे देगा। लेस्टर फिली से कहता है शायद कल रात हमें किसी ने बॉडी को दफनाते हुए देख लिया होगा और हमें उसे पैसे दे देना चाहिए लेकिन असल में वो नोट लेस्टर ने ही लिखा था। इसके बाद फिली अपने फादर की तिजोरी से $10,000 निकालकर ब्लैकमेलर की बताई हुई जगह पर रख देता है। फिर लेस्टर उन पैसों को लेकर अपने घर आता है जहां पर मैलो उसका वेट कर रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि मैलो का असली नाम निकोल है और वो उस कंट्री की नहीं थी। वो उस कंट्री में इलीगल तरीके से रह रही थी जिसकी वजह से वो लेस्टर की हर बात मान रही थी। मैलो उससे कहती है कि उसे इस बात का फायदा नहीं उठाना चाहिए लेकिन लेस्टर उससे कहता है अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो पुलिस को बता देगा कि वो इनलीगल तरीके से रह रही है और साथ ही एक क्रिमिनल है क्योंकि 15 साल के लड़के के साथ अफेयर रखना एक क्राइम है। इसके बाद लेस्टर मैलो को अपने पुराने होटल जाकर छुपे रहने को बोलता है लेकिन अब मैलो को भी फिली से प्यार हो गया था और वो सीधा फिली के पास जाती है लेकिन फिली उसे जिंदा देखकर चौंक जाता है। फिर मैलो उसे सब कुछ बता देती है कि उसने ये सब लेस्टर के कहने पर किया था। सारी सच्चाई सामने आने के बाद फिली मैलो से कहता है कि उन्हें लेस्टर से वो पैसे वापस लेने होंगे लेकिन मैलो नहीं जानती थी कि लेस्टर ने वो पैसे कहाँ रखे हैं। फिर वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद मैलो फिली के टेनिस कोच जैक को कन्वेंस करती है कि वो लेस्टर के घर पुलिस बनकर जाए और जैक इसके लिए मान जाता है। फिर वो नकली पुलिस ऑफिसर बनकर लेस्टर के घर जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है कि मैलो अचानक से कहां गायब हो गई। फिर लेस्टर के घर पर उन्हें मैलो के कुछ कपड़े भी मिलते हैं जो मैलो ने ही यहां पर रखे थे। ये सब देखकर लेस्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है और बताता है कि मैलो जिंदा है और वो एक होटल में है। जैक लेस्टर से कहता है कि अगर तुम 2 घंटे के अंदर मैलो को यहाँ जिंदा लेकर नहीं आए तब उसे मैलो के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद लेस्टर उस होटल में जाता है जहाँ उसने मैलो को रुकने के लिए बोला था लेकिन उसे पता चलता है वो यहाँ से जा चुकी है। फिर लेस्टर को कोई ऑप्शन नजर नहीं आता और वो इस शहर से भागने का प्लान बनाता है और वो एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। फिली भी यही चाहता था और यही उसका प्लान था। इसके बाद मैलो और फिली शर्मन की कार में लेस्टर का पीछा करने लगते हैं। लेस्टर एयरपोर्ट पहुंच जाता है और वहां उसे फिली के फादर मिलते हैं जो अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस लौट रहे थे। तभी फिली जैक और मैलो के साथ वहां पर आ जाते हैं जिसकी वजह से लेस्टर भाग नहीं पाता और फिली लेस्टर के हाथों से पैसों वाला बैग ले लेता है। फिर फिली अपने डैड को लेस्टर की हरकतों के बारे में कुछ नहीं बताता और बदले में लेस्टर भी मैलो की सच्चाई नहीं बताता कि वो यहाँ पर इनलीगली रह रही है और उसका फिली के साथ अफेयर भी चल रहा है जिससे उसकी नौकरी भी बच जाती है। घर आकर मैलो फिली से कहती है कि वो इस जॉब को छोड़कर जा रही है क्योंकि आज नहीं तो कल फिली के फादर को उनके अफेयर के बारे में पता चल जाएगा और वो उसे नौकरी से निकाल देंगे या फिर पुलिस उसे पकड़कर ले जाएगी। लेकिन वो फिली से प्रॉमिस करती है कि वो उससे मिलती रहेगी। फिर जाने से पहले उस रात फिली मैलो की जमकर बजाता है और अगले दिन मैलो वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं फिली अपने स्कूल जाता है और अब वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया होता है। फिर वो अपनी एक हॉट टीचर से जाकर मिलता है। दरअसल ये वही टीचर थी जिसने मूवी की शुरुआत में उसे एडवाइस दी थी। फिर फिली उसे थैंक्स बोलता है और उसे डेट पर जाने के लिए भी पूछता है।
फिर वो टीचर डेट के लिए मान जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।